नवी मुंबई में 20वें प्रॉपर्टी एक्सपो की तैयारियां तेज हो गई है। लॉकडाउन के बाद बिल्डर्स एसोसिएशन ऑफ नवी मुंबई का यह पहला प्रॉपर्टी एक्सपो लग रहा है, जहां 200 से अधिक बिल्डर्स एक छत के नीचे अपनी संपत्तियों की प्रदर्शनी करने वाले हैं। देखिए रिपोर्ट। अगर आप अपने सपनों का आशियाना खरीदना चाहते हैं तो तैयार हो जाइए, क्योंकि नवी मुंबई बिल्डर एसोसिएशन 13 अप्रैल से 4 दिनों का ऐसा प्रॉपर्टी एक्सपो लगा रहा है, जहां 200 बिल्डर और डेवलपर्स एक छत के नीचे मकान, दुकान, कमर्शियल प्रॉपर्टी, ओपन लैंड के साथ हिस्सा ले रहे हैं। इतना ही नहीं, यहां लोन उपलब्ध कराने वाले कई बैंक और वित्तीय संस्थाएं भी स्टॉल लगाने वाली है। लॉकडाउन के बाद पहली बार लग रहे इस एक्सपो में 11 लाख कीमत से 2 करोड़ रुपए तक के मकान मिलेंगे। मशहूर बिल्डर्स और भूमिराज ग्रुप के CMD भूपेंद्र शाह बताते हैं कि यह एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि आने वाले समय में नवी मुंबई भारत की नंबर 1 सिटी और हाउसिंग एवं जॉब का बड़ा डेस्टिनेशन बनेगी, इसलिए इस बार का प्रॉपर्टी एक्सपो बेहद खास होगा। ये फर्स्ट सिटी होगी वर्ल्ड के अंदर, ये चीज को भी ध्यान में रखना चाहिए। प्लस वो यहाँ पे जो इंफ्रा, रोजगार, इंटरनेशनल लेवल की कंपनियाँ आ रही है, तो ये तो बहुत बढ़ने वाला है। अब ये एक्सपो करने का कारण क्या रहता है कि जो नवी मुंबई का एक्सपो होता है उसको एरोली चाहिए या पनवेल चाहिए या द्रोणागिरी चाहिए या नैना चाहिए या खारघर चाहिए या वासी चाहिए, वो सब एक छत नीचे के नीचे सभी बिल्डर है। जो इधर आएगा हर वैरायटी दे सकता है, मतलब लग्जरी वाला, मिडिल स्टेजमेंट, लो स्टेजमेंट, MIG, LIG, अफोर्डेबल, सब चीज़ उसमें कवर हो जाती है। अभी तो ये एक्सपो का पूरा अलग रहता है, क्योंकि नवी मुंबई के नज़रिए से आप देखा जाओ तो ये एक्सपो ना हमारे तो साल में 2 बार करने का प्लान है। अभी ये टाइम क्या था, कोरोना के वजह से नहीं कर पाए थे, तो हमने अभी सब प्रदर्शन वगैरह चालू हुआ तो बहुत डिमांड थी। और ये टाइम तो हमारी हालत कैसी है कि अभी अभी बड़ी बड़ी सब ब्रांडें बाकी है और हमारे पास स्टॉल नहीं है, ये फैक्ट है। इतनी पब्लिक आती है, हमारा एक्सपो को देखे नहीं आता, हमारा सिटी के इंफ्रास्ट्रक्चर को देख के आते हैं। ये सिटी का आकर्षण ही है, वो चुंबक है यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर, यहाँ की अथॉरिटी मतलब सिडको, NMMC, अभी PMC आ गई, तो ये सब चीज का फर्क पड़ता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV1 इंडिया। लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए TV1 इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए।